सही है भाई को पुश किया, भाई का काम चल गया, अच्छी बात है। भाई की मेरे से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। सब्सक्राइब अभी बहुत लोग पूछ रहे हैं कि तुषार के साथ भी वीडियो बनाओ, लेकिन जब जाएंगे तब बनाएंगे ना, तो अभी मैं जाता नहीं ना सिडनी रोज। अच्छा जब नहीं, मेरे साथ बनाओ। अच्छा तो बनवा देंगे, कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं, भाई बना देगा। ब्रिस्बेन आना है हम लोगों ने। तो अगला सवाल हमारे पास व्यूअर ने पूछा है, बोलता है कौन से व्यूअर ने पूछा नहीं बता अपने क्वेश्चन बनाए हुए भाई के, कोई व्यूअर नहीं पूछा। तो व्यूअर हमारे पास काफी आ रहे हैं, लाइव चल रहा है, इधर क्वेश्चन इधर आ रहे हैं दीवार पे, लिख के लगा देंगे। तो व्यूअर ने पूछा कि ऑस्ट्रेलिया में हु इज योर मोस्ट फेवरेट यूट्यूबर। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में जो ऐसा टाइप का कॉन्टेंट बनाते हैं, मतलब खुद को छोड़ के, ओके, और कौन जिसको आप सोचते हो कि ये भी अच्छा काम कर लेता है, ऐसे मामूली सा, और एक बंदा जो आपको पसंद है। सब अच्छा कर रहे हैं, एक का नाम लो। एक का नाम लेना फिर यार बाकी गुस्सा हो जाएंगे ना। नहीं, सब भाई है ना, तो इसलिए नाम लेना किसी का नहीं, बाकी सब अच्छा कर रहे हैं, जितने भी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से यार सभी बढ़िया है। तो कोई अच्छा एक काम नहीं कर रहा जो अरे ये बंदा अच्छा नहीं करने वाले? यार सब कर रहे हैं, अभी जैसे आप कर रहे हो, अभी आपने बुलाया। डिप्लोमेटिक आंसर नहीं यार, अभी देखो सबको पता है कि जो अच्छा कर रहा है वो ग्रो करेगा, जैसे अभी तुषार ने बहुत अच्छा किया, वो अच्छा, ग्रो किया। तुषार बरेजा, हाँ भाई अपना अच्छा कर रहा है। कैसा है उससे, आप कैसा मिले थे फर्स्ट? तो भाई आया था अपने को, उसने मेल वगैरह करी। हम बात कर रहे थे तुषार बरेजा के बारे में, एनएसजे की राय क्या है तुषार बरेजा के बारे में, तो मतलब कैसा मुलाकात हुई, क्या है स्टोरी? तो भाई इंडिया में था, भाई ने मतलब अपने को कॉन्टेक्ट किया था, तो जब भाई इधर था मैंने स्टोरी डाली थी कि मैं पेनरिथ में वो कर रहा हूँ मतलब मीटअप टाइप। तो भाई ने मेरे को मेल मैसेज किया कि कह रहा कि आप कितनी देर रुकोगे, मेरे को 2 घंटे लगेंगे। तो बहुत सारे उस दिन स्टूडेंट्स की ना ओरिएंटेशन थी मुकरी यूनिवर्सिटी में, तो मेरे को काफ़ी लोगों ने मैसेज किया कि भाई हम लोग सिटी में, आप आ सकते हो। तो ये भी था, तो मैंने इसको बोला भाई तू रुक, क्योंकि नया आया था यार, इसके पास पैसे भी कहाँ होते, नए स्टूडेंट के पास किसी के पास पैसे नहीं होते। तो मैंने इसको बोला भाई तू रुक, मैं आता हूँ वहाँ पे, सब लोग वहाँ मिल भी लेंगे। तो फिर वहाँ पे भाई मिला था, फिर वीडियोज़ वगैरह की, उसके बाद भाई ने 2-4 वीडियोज़ भी बनाई थी। तो सही है, भाई को पुश किया, भाई का काम चल गया, अच्छी बात है। भाई की मेरे से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। सब्सक्राइबर कितने हैं अभी? 2 लाख से ज़्यादा है। 2 लाख से ज़्यादा है, तो भाई मस्त हो गया समझो, अभी बड़ा मसला हो गया भाई का। तो ये था गाइस तुषार का क्वेश्चन जो काफ़ी व्यूअर्स पूछ रहे थे। अभी बहुत लोग पूछ रहे हैं कि तुषार के साथ भी वीडियो बनाओ। तो भाई हम लोगों का कोई ऐसा नहीं है, मैं जाता रहता हूँ, वो भी खुले दिल से बनाता है, मैं भी खुले दिल से बनाता हूँ, लेकिन जब जाएंगे तब बनाएंगे ना, तो अभी मैं जाता नहीं ना सिडनी रोज। अच्छा अच्छा, जब नहीं, मेरे साथ बनाओ। अच्छा तो बनवा देंगे, कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं, भाई बना देगा। ब्रिस्बेन आना है हम लोगों ने 3 वीक बाद, तो फिर करेंगे 3 वीक बाद, फिर हम लोग आ रहे हैं भाई भी। अच्छा अच्छा, सेट है फिर। तो गाइस ये था क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट सवाल हमारे पास व्यूअर का खास सवाल आ रहा था, बहुत तेजी से आ रहा था, बहुत तेजी से सवाल आ रहा था, क्या आ रहा था मैं बोलता हूँ। हाँ जी हाँ जी, कि एनएसजे भाई को पीआर कब मिलेगा? वो किसी को नहीं पता, मेरे को खुद नहीं पता, क्योंकि इधर कुछ भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, बहुत कुछ तो मतलब पीआर लेने के लिए यहाँ क्या करना पड़ता है आपके हिसाब से? यार अलग अलग तरीके हैं, लोग तो शादी भी कर लेते हैं, तो शादी करना चाहिए अगर जुगाड़ लग रहा तो कर लो, क्यों पैसे फूकने? तो लड़की पर डिपेंड करेगा। बाकी मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता यार, देखो मैं बताऊं, जिस स्टडी में आए हो अगर आपको लगता है कि आप आगे इधर ग्रो कर सकते हो, तो आप इधर आप पीआर की तरफ जाएं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप उस स्टडी में अगर आप इधर नहीं ग्रो कर रहे हो, तो आप वापस चले जाओ, आपको लगता है कि वहाँ पर मैं ज़्यादा अच्छा कर लूँगा, वापस अपनी कंट्री में चले जाओ इधर। ये नहीं, एक चीज़ मैं और बता दूँ, अगर आप इधर रहते हो तो ये चीज़ मान के चलना कि 60 साल तक आपको हर दिन जॉब पर जाना है, चाहे आप जितने मर्जी रिच हो जाओ। अच्छा, तो इंडिया में जॉब पर रेगुलर जाने की जरूरत नहीं है? नहीं, अगर तुम अमीर हो जाओ तो क्या जरूरत है, और बेटे बेटियां भी सपोर्ट करते हैं ना वहाँ पर, यहाँ पे भूल जाएंगे। अरे भाई भाई भाई, हाँ हाँ हाँ, पूछो पूछो। तो ऐसा है, तो अभी नेक्स्ट सवाल हमारे पास आ रहा था, हाँ हाँ बहुत तेजी से आ रहा है, बहुत तेजी से सवाल आ रहा था कि यूट्यूब से कितने पैसे कमा लेते हो आप? प्रॉपर बोल दूँ? घुमा फिरा के बोलो, थोड़ा लंबा करके बोलो। अरे नहीं देखो यार, मतलब मेरे जितने मेरे सारे खर्चे, मेरा इंटरनेट, मेरा रूम रेंट, मेरी ग्रॉसरी सारी निकल जाती है यूट्यूब के पैसों से, आराम से। तो मतलब यूट्यूब पैसे देता है कैसा? एक सब्सक्राइब करके $1 कैसा आ रहा था हिसाब?
नहीं, बहुत लोग पूछते हैं भाई कितने कितने पैसे भाई व्यूज का हिसाब किताब होता है, वो भी मतलब हर महीने आ जाती है वो, तो मतलब वो सबको पता है अभी इस टाइम के व्यूज के हिसाब से। हाँ जी सर, कितने व्यूज उसके? हाँ मतलब तो, कितनी ऐड चली ना भाई। तो अब भाई $1,000 करना है तो कितने व्यूज चाहिए? ये भाई अलग सीन होता है कितनी, अब वो सीन हो ना हर एक कंट्री में अलग अलग वीडियो का, वो तुम्हें पता है क्लिक पर माइल वाला सीन होता है, तो वो अलग सीन चलता है। और अगर आपकी 10 मिनट से लंबी है, 8 मिनट से लंबी है, आपने ज़्यादा ऐड ठोक रखी है तो क्या पता है जो कम में भी बन जाए। अच्छा, और तो अगर आपकी वीडियो 2 मिनट की उस पर 4 मिलियन व्यूज हो जाए तो कमाई नहीं होगी क्या पता। अच्छा अच्छा ओके, तो ऐसा सीन है गाइस। अभी नेक्स्ट सवाल आ रहा था, आपके गोरे दोस्त है या नहीं है ऑस्ट्रेलिया? हाँ है हमारे, लेकिन हम लोग वीडियोज में लेके नहीं आते। गोरियाँ भी है मेरी दोस्त, क्योंकि हमारे कैफे में काम करती थी, तो उनको लाना सेफ नहीं होता है, क्योंकि बाई चांस मान लो कल को कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया बीच में तो केस कर सकते हैं इस चीज़ को लेके कि हमने परमिशन नहीं दी थी। अच्छा, तो ऐसा है। तो फर्स्ट आप जब आए थे ऑस्ट्रेलिया, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, कि ऐसा क्या देखा था? इंडिया में कुछ एक्सपेक्टेशन होती है ना कि अरे ऑस्ट्रेलिया जाएंगे ऐसा करेंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया आते कि कुछ अलग फीलिंग आई या वैसे ही ठीक था? नहीं, नहीं, मतलब मेरा माइंड सेट था, हम लोगों ने पहले पता था कि वहाँ पे जाके दिहाड़ियाँ करनी है, मजदूरी करनी है, तो हमारा वो सीन नहीं था कि वहाँ जाके डीसी लग जाना है कि हाँ एंचो कुर्सी पे बैठ जाएंगे, ऐसा कोई सीन नहीं था। अपने को पता था बर्तन मांजने, तो वही जॉब मिली। अच्छा, तो करा है भाई सब। अच्छा, तो एक्सपेक्टेशन ऐसा मतलब वो हाई नहीं थी, अपने को पता था ना बाहर की लाइफ कैसी है, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त भी भाई हैं वो ऑलरेडी बाहर हैं, वो बताते रहते थे। अच्छा, तो आपके थे लोग पहचाना वाले? मेरे भाई थे, एक सिडनी में था, एक मेलबर्न में था, मेरे दो मेलबर्न में थे। अच्छा। बाकी इधर कोई नहीं था। मेरे को यूनी वाले लेने गए थे, उन्होंने रूम दिलवाया मस्त काम। अच्छा। तो आने बाद पहले कैसा लगा, कुछ रेसिज्म का कुछ हुआ या? मेरे साथ तो आज तक नहीं हुआ है, काफी लोग कहते हैं कि यहाँ होता है फलाना ढिमकाना, मेरे जितने भी मिलने वाले हैं किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ आज तक, क्योंकि जब तक आप सही हो कोई आपको नहीं छेड़ेगा आके। और ज़्यादातर अगर रेसिज्म की बात है, अगर आप इंडिया को कंपेयर करते हो ऑस्ट्रेलिया से, तो मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में उसका 1-2% भी नहीं है जितना इंडिया में, क्योंकि हमारे वहाँ हर एक चीज़ को लेकर रेसिज्म है। ये तो मान वहाँ पे लोग ना फील नहीं करते हैं, यहाँ पे उनकी ईगो पे आती है, हम तो बाहर आए हैं, वहाँ तो पता ही क्या चलता। अच्छा, इंडिया में लाइक कुछ भी। तो ऐसा है गाइस, रेसिज्म इज नॉट लिमिटेड टू ऑस्ट्रेलिया, हर जगह रेसिज्म है, हर जगह है। और हमारी जंग, हमने जंग छेड़ी है रेसिज्म के खिलाफ। वो घुटने टेक के, वो ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं, वो घुटने टेक के नहीं करते। ब्लैक लाइव्स मैटर, अरे वो वैसा वाला नहीं, ब्लैक लाइफ वाला थोड़ा सा रेसिज्म था, रेसिज्म ब्लैक वो ब्लैक लाइफ और रेसिज्म दोनों को लेके है। अभी बीबीएल में नहीं करते, बिग बैश में। तो गाइस, हमने जंग छेड़ी है रेसिज्म के खिलाफ, हम सबको एकजुट होके काम लड़ना है, हमको एक साथ लड़ना है रेसिज्म के खिलाफ, और हम नहीं सहेंगे भाई। हाँ, हम नहीं सहेंगे। हाँ, पहले तो किसानों का जो चल रहा है, पता है आपको ये प्रोटेस्ट चल रहे इंडिया में किसानों का, प्रोटेस्ट के बारे में आपकी क्या राय है भाई? वो पहले जब मैंने स्टोरीज डाली थी, मैं बताना चाहूँगा, तो काफ़ी मेरे व्यूअर्स थे, जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने मेरे को अनफॉलो किया, अनसब्सक्राइब भी किया। अच्छा। कि तू सपोर्ट कर रहा है फार्मर्स को, कि तूने लॉ नहीं पढ़े फलाना ढिमकाना। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा भाई, देख हम हैं फार्मर, तो एक बंदा गलत हो सकता है, दो बंदे गलत हो सकते हैं भाई, जो इतने लाखों लोग वहाँ बैठे हैं ना वो गलत नहीं हो सकते। और हम लोग इतने अनपढ़ नहीं हैं कि हमें ना पता हो चीज़ें, हमें पता है क्या चल रहा है। और गवर्नमेंट का तो रूल हम लोग अभी सुन ही लिया सबने, गवर्नमेंट क्या कर रही है, डीफेम करने की कोशिश कर रही है कि ये इधर से स्पॉन्सर्ड है, इधर से फंडेड है फलाना ढिमकाना, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लोग समझदार हैं, जो लाइक जो गोदी मीडिया है जो बोलते लोग नॉर्मल, उसको देखते हैं, वो तो भाई उनका तो कहने क्या, वो तो वीडियोस मेरी देखने ही बंद कर दो। मैं तो सीधा यही कहता हूँ, मत देखो यार, फायदे में रहोगे तुम लोग, मैं भी फायदे में रहूँगा यार क्या। तो मैं मित्रों वहाँ से चढ़ा जहाज पे पोर्ट मुक्वारी से, अरे मैं हाँ बताता हूँ ना, उसमें लिखा हुआ था टिकट पे कि वो मील प्रॉपर है ना, रिफ्रेशमेंट का। आए पहले एक कुकीज दी और साथ में पानी की बोतल दे दी, मेरे को लगा अब साला कुछ आएगा थोड़ी देर में। मैं वेट किया, एक घंटे की फ्लाइट थी क्योंकि 15 मिनट में दे गए मेरे को, मैं भी देखे रहा, मैं क्या हाँ नहीं रहे साले कुछ लेके। फिर मैंने बैल बजाई, मैं क्या कुछ है खाने को तुम्हारे पास, स्पिनच रोल या कुछ भी? वो बोले कुकीज़ हैं। तो मैंने कहा ठीक है फिर लाओ। फिर एक और कुकीज़ आई, तो भाई मीठा खा के दिमाग ख़राब हुआ। और दूसरी बात, जो मेरी टिकट थी इधर 1 घंटे का चक्कर है ना, वो 1 घंटे का आ गया पीछे वाला, तो वहाँ से मेरी डिपार्चर होनी थी 2:10 पे और पहुँचनी थी 2:15 पे इधर। तो जब हो गई तो मैंने देखा, मैं मतलब पहुँचनी 3:15 पे चाहिए ना, 1 घंटे की वो है ट्रैवल टाइम, लेकिन वो 1 घंटे का इधर टाइम डिफरेंस भी है। तो जब मैंने देखा, मैंने कहा ये साले कौन से रॉकेट पे बिठा के मेरे को भेज रहे हैं, 5 मिनट में 10 मिनट में भेज रहे हैं जो।
तो फिर मैंने आके टाइम देखा, वो स्टैंडर्ड थोड़ा अलग था उधर का। उधर से उड़ के वापस आओगे ना टाइम में, इधर साइड अभी मेरे को 2 घंटे लगेंगे जाने में, तो टाइम का डिफरेंस भी तो है ना। तो ऐसा लोचा है गाइस। बाकी ब्रिस्बेन अच्छा है, बाकी मैंने जितना सुना था सब लोग कहते थे कि ज़्यादा गर्मी है, मैंने इतनी फील नहीं करी है। धूप है तो तीखी पड़ती है, बट ठीक है, मैनेज कर सकते हैं अपन लोग। तो अगला सवाल गाइस, आप लोग बहुत लोग पूछ रहे थे बहुत लोग की क्वेरी आ रही थी गाइस, ये क्वेरी हमने Q&A में अरे पूछ कोई नहीं। तो गाइस बहुत लोग पूछ रहे थे कि NSJ से पूछो कि भाई फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब कौन सी करी थी, कितना पे था, पे कितना था घंटे का, वो पूरा हिसाब हमको क्लियर समझो। और कितनी मेहनत के बाद मेहनत जॉब मिली है। मैंने तीसरे दिन मेरे को जॉब मिल गई थी, तीसरे दिन बर्तन धोने की। मैं बर्तन धोने वाली जॉब कर रहा था, तो आपको पता ही 20 से नीचे आप काम करते नहीं हो TFN पे, तो मेरी टैक्स पे थी तो अपन को 20 दे रहे थे वो लोग। अच्छा, तो $20 टैक्स उसके ऊपर कट गए के बाद। हाँ, वो कुछ आता था, वो टैक्स कटता था उसके बाद। तो वो जॉब मिली गई थी, कैसा अप्लाई करना पड़ा, किसी के रेफरेंस के थ्रू? नहीं, रेफरेंस नहीं, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, मैं उनके पास गया, मैंने अपना रिज्यूम दिया, अगले दिन उन्होंने कॉल कर दी, बोले आएगा। मैं कहा करे बर्तन धोएगा? मैं कहा। तो गाइस देखो, आप लाइव एग्जांपल जान सकते हैं, वॉक इन करके रेस्टोरेंट में अपना रेज्यूमे देने के बाद भी आपको जॉब मिल सकती है। और NSJ भाई ने बहुत मेहनत की है ऑस्ट्रेलिया में, तो इनको जॉब मिली है, बड़े मुकाम पे पहुंच गया ना मैं। आज बड़ी बड़ी कंपनियां NSJ भाई के पीछे हैं, तो इनको और इनको तरक्की मिले। ये कुछ ठीक है तो भाई का चैनल कर लो सब्सक्राइब, अगर आपने नई नई वीडियोस देखनी होती हैं, आगे भी आते रहेंगे ब्रिस्बेन, तो भाई के साथ कोई भी बकचोदी वाली वीडियो बनती रहेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करते वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब टू द चैनल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम।